हेलो एवरीवन, नूतन्स वर्ल्ड में आप सबों का स्वागत है। आज मैं आप सबों के लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है कॉफ़ी की रेसिपी। आज मैं आपके साथ कोल्ड कॉफ़ी और हॉट कॉफ़ी दोनों शेयर करने वाली हूँ, और बिना मशीन के घर में ही अपने अवेलेबल टूल से ही आप घर में मशीन जैसी कॉफ़ी तैयार कर सकते हैं, चाहे वो कोल्ड कॉफ़ी हो या हॉट कॉफ़ी हो। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं। यहाँ पर पहले मैंने कोल्ड कॉफ़ी बनाया है। इसे बनाने के लिए मैंने 3 पैकेट नेस्कैफे लिया हुआ है जो 2 रुपए की आती है। तो ये 3 पैकेट को मैं एक ग्राइंडर में जार में डालने वाली हूँ और मिक्सर जार में डालने वाली हूँ। और देखिए मैंने इसे सारे को डाल दिया। अब 3 पैकेट नेस्कैफे में अब मैं यहाँ 5 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ 5 चम्मच चीनी ले लिया है, और 4 या 5 चम्मच आप पानी ले लीजिए उसी चम्मच से, इस तरह से। और इसे अच्छे से पीस लेना है मिक्सर ग्राइंडर में डाल के। इसे अच्छे से अब मैं पीसने वाली हूँ ताकि इसका चीनी पूरा मिक्स हो जाए। देखिए कितनी अच्छी कलर आई हुई है इसे पीसने के बाद। तो मैंने इसे मिक्सी में चला दिया है, देखिए इस तरह से बनी है। और मुझे थोड़ा सा ग्राइंडर में डाल के फेंटने वाली हूँ। तो इसे मैं फिर से एक बार चला करके, देखिए मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, देखिए इसका कलर चेंज हो गया और थोड़ा सा थिकनेस में आ गई है, थोड़ा स्मूथ हो गई है पूरी तरह से। और अब मैं इसे दूसरे बर्तन में पलटने वाली हूँ, देखिए कितनी स्मूथ है। और इसी तरह का जब हो जाए तब आप इसे दूसरे बर्तन में पलट दीजिए। तो ये मैंने यहाँ पर दूसरा बर्तन लिया है और मैं इसे पलट रही हूँ, और अंदर में भी जितना बचा हुआ रहता है वो मसाला, वो नीचे की जितनी है, नीचे लेयर में जितनी मसाला बैठी हुई थी वो सारा मैंने ले लिया है। और देखिए इस तरह से अच्छे से मिलाना है। अब देखिए इसे अच्छे से अब मैं इसे फेंटूंगी। आप इसे किसी भी मथनी के हेल्प से भी फेंट सकते हैं, या फिर किसी चम्मच के हेल्प से भी फेंट सकते हैं, या फिर किसी बॉटल के अंदर इसे डाल के उसे पूरी अच्छी तरह से सेक करना है तो उस तरह भी आप इसे फेंट सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चम्मच का ही यूज़ किया है। अब हमें इसे तब तक फेंटना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। ये पूरी तरह से वाइट कलर की हो जाएगी, मतलब थोड़ा सा स्किन कलर की हो जाएगी। ये देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है और ये थोड़ा सा थिकनेस में आ रही है। देखिए इसका अमाउंट भी थोड़ा बढ़ गया है, जितना मैं ली थी उससे ज़्यादा हो गया है। ये थोड़ा फूलने लगी है अब। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए मेरा मिक्सर में किस तरह का कलर था, और अभी देखिए मैंने फेटा तो ये दूसरा कलर में आ गई है, स्किन कलर आते जा रही है, और ये बहुत ही थोड़ा क्रीमी टाइप का बन गई है। तो हमें इसी तरह का हमें इसका पेस्ट तैयार करना था। तो अब ये हो चुकी है। तो जब ये इस तरह का कलर चेंज हो जाए और थोड़ा सा स्किन कलर में आ जाए तब हमें, और थोड़ा सा थिकनेस में आ जाए तब हमें ये समझना है कि ये हो चुकी है। तो ये देखिए ये मैंने हॉट कॉफ़ी के लिए लिया है और ये कोल्ड कॉफ़ी के लिए लिया है। तो पहले मैं यहाँ कोल्ड कॉफ़ी तैयार करने वाली हूँ। तो यहाँ पहले मैं स्टोर करके रखने वाली हूँ, ये मैंने बहुत ज़्यादा बनाया हुआ है तो इसे मैं स्टोर करके रखने वाली हूँ, और इसे बाद में कभी भी अगर हमें हॉट कॉफ़ी या कोल्ड कॉफ़ी पीना हो तो मैं इसे यूज़ कर लूँगी। तो अभी मैं इसे फ्रिज में रखने वाली हूँ। कोल्ड कॉफ़ी बनाना, तो कोल्ड कॉफ़ी के लिए मैंने यहाँ 1 चम्मच पेस्ट लिया है। ये देखिए मैंने अभी इसमें 4-5 चम्मच ठंडा दूध डाल रही हूँ। ये अभी अभी मैंने फ्रिज से निकाला है, और कोल्ड कॉफ़ी बनानी है तो ठंडा दूध तो लेनी ही पड़ेगी। तो इसे अच्छे से मिला लिया मैंने, देखिए। और इसमें फिर से मैं और दूध मिक्स कर रही हूँ, और इस तरह से जितना दूध आपको लेना है, आधा ग्लास या 1 गिलास, उस हिसाब से आपको मिक्स करना है। और दूसरे बर्तन ले करके मैं फिर से मिक्स स्टार्ट कर दी मिक्स करना उसे, और तब तक उसे मिक्स करते रहना है जब तक कि उसमें क्रीमी लेयर ना बैठ जाए। तो इस तरह से देखिए अभी इसे मैं और मिलाने वाली हूँ ताकि इसमें अच्छी वाली लेयर आए। ये देखिए अच्छे से मिला ले रही हूँ मैं। अब ये मिक्स हो चुकी है, अब मैं इसे ग्लास में डाल रही हूँ। देखिए मैंने ग्लास को थोड़ा डेकोरेट कर दिया है, और ये है चॉकलेट सिरप, और इसमें इसे मैं ग्लास के चारों तरफ मैं लगा दे रही हूँ अंदर तरफ। ये देखिए इससे क्या होगी कि बहुत ही खूबसूरत लगेगी बाहर से,
और कुछ स्पेशल लगेगी देखने में। तो अब मैं इसमें वो मैंने कॉफ़ी वाला दूध डाला इसमें और इसे थोड़ा सा ऊपर करके इसे इसमें गिराना है ताकि उसमें वो क्रीमी लेयर बैठे। ये देखिए कितनी खूबसूरत दिख रही है और देखिए ये कम से कम 1 इंच लेयर इसमें क्रीमी लेयर जो मैं बोल रही हूँ वो बैठ चुकी है इसमें। ये देखिए अब मैं इसे ऊपर से भी डेकोरेट कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारी कोल्ड कॉफ़ी रेडी है, ठंडी ठंडी कॉफ़ी रेडी है, कोल्ड कॉफ़ी। और अब चलिए फ्रेंड हॉट कॉफ़ी की बारी है। देखिए मैंने यहाँ पे डेकोरेट भी किया है हॉट कॉफ़ी में, कितनी फ्लफी बनी है और कितनी क्रीमी बनी है। चलिए इसे भी बनाते हैं। मैंने जो स्टोर करके रखा हुआ था ना उसी को, वही वाला मैंने 1 चम्मच लिया है। देखिए 1 ग्लास में लिया, अलग से ग्लास में लेना है। और उसमें मैं गर्मा गर्म दूध थोड़ा सा डाल रही हूँ, करीब 3-4 चम्मच। ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया, दूध डाल दिया और इसे भी अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं। और इसे भी सेम टू सेम वही प्रोसेस करना है, इसे भी दूसरे बर्तन में लेके अच्छे से इसे फेंट लेना है जब तक कि पूरी तरह से इसमें बबल ना आ जाए ऊपर या फिर क्रीमी लेयर ना बैठ जाए तब तक। और अब मैं 1/2 चम्मच के करीब मैं फिर से 1 कप में ले रही हूँ 1/2 चम्मच, वही जो मैंने क्रीम मसाला बनाया हुआ था कॉफ़ी मसाला वो मैं ले रही हूँ। और उसमें मैं वही वाला मिक्स किया हुआ दूध मैं इसमें ले रही हूँ, कॉफ़ी मिक्स करके अभी जो मैंने फेंटा था ना वही वाला मैं इसमें ले रही हूँ। और उसे मैं थोड़ा सा डाल के इसमें मैं इसे मैं क्रीमी लेयर देने की कोशिश कर रही हूँ ताकि उसमें वो बबल्स आए जो एक कॉफ़ी में होती है। और इस तरह से आप इसे ऊपर से आप डालिए। ये देखिए ये क्रीमी क्रीमी हॉट कॉफ़ी रेडी है। और अब चलिए इसे मैं इसे डेकोरेट करके आपको मैं दिखा रही हूँ। फिर से मैंने चॉकलेट सीरम से इसे डेकोरेट किया है और देखिए कम से कम 1 इंच मोटी लेयर, क्रीमी लेयर बैठी हुई है। आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत और कितनी मशीन जैसी कॉफ़ी हमारी बन के रेडी हुई है। और आप भी घर में हॉट कॉफ़ी और कोल्ड कॉफ़ी का मज़ा लीजिए जो कि आप बाहर जाके लेते हैं, आप वो घर में ही बिना मशीन के मशीन जैसे तैयार कर सकते हैं आराम से। और प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर लिख के बताइए कि आपकी कॉफ़ी कोल्ड कॉफ़ी कैसी बनी, हॉट कॉफ़ी कैसी बनी। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन, बाय बाय।